जमीनी विवाद को सुलझाने के लिए जालसाज युवक ने जिलाधिकारी को किया आगरा सांसद के नाम से फर्जी फोन। जी हां, आपको बता दें, पूरा मामला शुक्रवार की सुबह का है। शुक्रवार की सुबह जब जिलाधिकारी हाथरस प्रवीण कुमार लच्छकार जिला कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय पर जनता की समस्याएं सुन रहे थे, तभी हाथरस जिलाधिकारी प्रवीण कुमार के सरकारी मोबाइल नंबर पर एक फोन आया और फोन करने वाले व्यक्ति ने अपने आप को आगरा सांसद एसपी सिंह बघेल बताकर कहा कि मैंने आपके कार्यालय पर व्यक्ति को भेजा है, उसका जमीनी विवाद है, उसको सुलझा दें। इस बात को लेकर हाथरस जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लच्छकार को कुछ संदेह हुआ तो तत्काल ही जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लच्छकार ने फोन कटने के बाद आगरा सांसद एसपी सिंह बघेल को उनके नंबर पर कॉल कर मामले की बात की तो पता चला कि आगरा सांसद एसपी सिंह बघेल ने किसी भी मामले में कोई भी फोन नहीं किया। आपके पास एक कॉल आया जिसमें बताया गया कि आगरा सांसद बोल रहा हूँ, जो जलसा युवक ने कॉल किया था, क्या कुछ मामला रहा है इसमें, क्या कुछ कार्रवाई कराई गई? कल एक व्यक्ति आया था जनता दर्शन में और वो मेरे ऑफिस के बाहर खड़ा था और उसके लिए किसी ने आगरा से सांसद एसपी सिंह बघेल बन के फ़ोन किया और बताया कि वो पहले मेरे से मिला लेकिन उसका काम नहीं हुआ, तो वो आपसे मिल रहा है, उसका काम करवाइएगा। और मुझे उस पर संदेह हुआ तो मैंने वहाँ सांसद जी के कार्यालय में फ़ोन करके पूछा, तो उनके द्वारा बताया गया कि मेरे द्वारा या मेरे स्टाफ के द्वारा कोई कॉल नहीं किया गया। तब मुझे वो फर्जी लगा और उस पर मैंने एसपी को बताया। बाद में वो आगरा में ट्रेस हुआ व्यक्ति और आगरा पुलिस ने उस पर कार्रवाई की, उसको अरेस्ट कर लिया। आगरा सांसद एसपी सिंह बघेल से होने के बाद जिलाधिकारी हाथरस प्रवीण कुमार लच्छकार ने हाथरस अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ वर्मा को फोन कर मामले की शिकायत करते हुए जिस नंबर से फोन आया था वह नंबर बताया। जब नंबर को हाथरस पुलिस द्वारा मोबाइल नंबर को ट्रेस किया गया तो वह नंबर जनपद आगरा के थाना एतमदौला के विजय वर्मा निकला, जिसके लिए तत्काल ही हाथरस पुलिस ने आगरा थाना एतमदौला पुलिस सूचित किया। थाना एतमदौला पुलिस ने विजय वर्मा नाम के युवक को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस उससे मामले की पूछताछ में जुट गई है, क्योंकि उसने हाथरस जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लच्छकार को आगरा सांसद एसपी सिंह बघेल के नाम से फोन किया था।